दोस्तों, आकांक्षा दुबे का गुनहगार आकांक्षा को दुनिया से रुखसत करने का आरोपी समर सिंह फाइनली गिरफ्त में है। गाजियाबाद से उसे पकड़ा गया था और फिर उसके बाद समर सिंह को लेकर जाना था वाराणसी, क्योंकि केस वहीं पर दर्ज था और इसके लिए तय किया गया शुक्रवार की रात का समय। जी हाँ, शुक्रवार की दोपहर गाजियाबाद की कोर्ट में पेशी के बाद समर सिंह को लेकर वाराणसी पुलिस रवाना हो गई। बाकायदा रोड से समर सिंह को लेकर निकला गया। अब यूपी में पहले भी कई बार अपराधियों की गाड़ियां पलटती रही हैं और उनका काम तमाम होता रहा है। कई बार रात को उनका असली हिसाब होता रहा है, तो यहाँ पर समर सिंह के साथ भी रात में बड़ा वाला खेल हो गया। घने अंधेरे में सुबह 5 बजे जैसे ही गाड़ी रुकी, समर सिंह को गाड़ी से निकाला तो समर सिंह रोने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो कहने लगा। तो क्या हुआ पूरी रात समर सिंह के साथ? कैसे रात भर गिग्घी बांधकर बैठा रहा, डर के मारे थर थर कांपता रहा? पूरी रात की कहानी आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस चैनल के साथ जुड़े, हमारी ताकत बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो समर सिंह को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि समर सिंह के साथ वाराणसी पुलिस ने रात में बड़ा वाला खेल कर दिया। जी हाँ, पूरी रात की कहानी समर सिंह के कांपने की कहानी, कैसे गाड़ी से निकाला और कब कब क्या हुआ, कब कब बाहर निकाला, सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। गाजियाबाद में समर सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया और फिर दोपहर करीब 3 बजे के आसपास सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद समर सिंह को लेकर पुलिस वाराणसी के लिए रवाना हो गई। पुलिस अपनी गाड़ियां लेकर आई थी और उन्हीं 2 गाड़ियों के साथ समर सिंह को बाय रोड लेकर ही पुलिस चल पड़ी। करीब 8.5 किलोमीटर की ये दूरी थी जिसमें करीब 12 घंटे का वक्त लगने वाला था और इसके लिए रास्ता चुना गया यमुना एक्सप्रेसवे का। समर सिंह को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया गया और दोनों तरफ पुलिस कर्मी बैठे हुए थे। बीच में समर सिंह, ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसके साथ वही किया जाए जो कि करना चाहिए, कुछ वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर ले। गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा होकर आगरा पहला पड़ाव था और शाम करीब 6:30 बजे के आसपास गाड़ियां आगरा पहुंची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वहां पर आगरा टोल पर गाड़ियों को रोका गया, समर सिंह को भी गाड़ी से उतारा गया। हालांकि समर सिंह थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन हाँ, ज्यादा अंधेरा नहीं होने के कारण समर सिंह खुद को ठीक करने की कोशिश में जुटा रहा। करीब 15 से 20 मिनट गाड़ी वहां पर रुकी और वहां पर फ्रेश हुए और नाश्ता करने के बाद वहां से गाड़ियों का सिलसिला काफिला आगे निकल गया और इस बार रास्ता पकड़ लिया लखनऊ एक्सप्रेसवे का। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले समझिए, यमुना एक्सप्रेसवे में खासी चहल पहल रहती है, गाड़ियाँ काफी ज्यादा रहती हैं, लेकिन लखनऊ एक्सप्रेसवे में बिल्कुल भी चहल पहल नहीं रहती और अक्सर कई कई किलोमीटर तक गाड़ियाँ दिखती ही नहीं है। और ये सब कुछ देखकर समर सिंह फाइनली घबराने लगा और शायद उसे गाड़ी पलटने का डर अब सताने लगा था। हालत यह थी कि समर सिंह गाड़ी के अंदर ही कांपने लगा था। जी हाँ, पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह डर के मारे कांपने लगा, सुसू आने की बात कहने लगा। अब पुलिस कर्मियों ने गाड़ी रोकी भी तो समर सिंह ने गाड़ी से उतरने से ही मना कर दिया। जी हाँ, समर सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो गाड़ी से नहीं उतरेगा, क्योंकि वहां पर वीरानी थी और समर सिंह को लग रहा था कि कहीं उसे गाड़ी से उतार कर यहीं पर काम तमाम न कर दिया जाए, कहीं गाड़ी फिर से पलट न जाए। अब हालत ये थी कि समर सिंह दहशत में जी रहा था। जी हाँ, पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो टीम समर सिंह के साथ थी उन्होंने बताया कि इतनी दहशत में कभी किसी को नहीं देखा जितनी दहशत में समर सिंह था। समर की हालत ये थी कि वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, आकांक्षा ने तो कोई नोट भी नहीं लिखा था, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पुलिस कर्मियों ने भी जवाब दिया कि अभी तो कुछ किया ही नहीं, बस फिर क्या था। समर सिंह की हालत और ज्यादा खराब हो गई। दोनों गाड़ियां वाराणसी की तरफ एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार में दौड़ रही थीं। समर सिंह के दिल की धड़कनें उससे भी ज्यादा रफ्तार में भाग रही थीं। हालत ये थी कि समर सिंह को चैन सुकून तो बहुत दूर की बात है, आंखें एक पल के लिए नहीं झपका रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह दोपहर तक यानी कि दिन के उजाले में सिर झुकाए बैठा रहा, मुंह छिपाए बैठा रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई, गाड़ी आगे एक्सप्रेसवे पर चलने लगी तो एक टक देखे जा रहा था और जैसे ही गाड़ी की रफ्तार कम होती या फिर कहीं पर किसी वजह से गाड़ी रुकती तो समर सिंह चिल्लाने लगता, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। कंडीशन ये हो गई कि पुलिस कर्मियों को समर सिंह को डांटना पड़ा, फटकारना पड़ा कि अगर अब वो आगे से चिल्लाया या फिर उसने चिल्लाना बंद नहीं किया तो फिर वाकई में वही होगा जो कि वो सोच रहा है, तो इसीलिए चुपचाप रहे तो वही बेहतर होगा। अब यहाँ पर समझिए, समर सिंह जो कि खुद को भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार कहता था, पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था। पुलिस वाले भी उसकी बढ़िया तरीके से खातिरदारी कर रहे थे।
अब पुलिस के डांटने के बाद चिल्लाना तो कम हुआ, लेकिन थरथर कांपता रहा। पूरे वक्त समर सिंह कांपता रहा। अब इस दौरान कई बार गाड़ी रोकी गई, पुलिस वालों ने अपने जरूरी काम भी किए, लेकिन हाँ, समर सिंह गाड़ी से बाहर नहीं निकला, चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा। गाड़ी से बाहर निकलने से इनकार करता रहा। अब यहाँ पर करीब 4 बजे के आसपास पुलिस की गाड़ियाँ वाराणसी की टेरिटरी में पहुँच गईं। सुबह के 5 बजे के आसपास समर सिंह की गाड़ी अचानक रुकी और सामने से कुछ और पुलिसकर्मी भी तेजी से आ गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले तो समर सिंह को लगा कि जैसे अब तक गाड़ी रुक रही थी, वैसे ही गाड़ी यहाँ पर भी रुकी है। लेकिन यहाँ पर तो सीन अलग था, क्योंकि वहाँ पर मौजूद कुछ और पुलिसकर्मी भी तुरंत आ गए और समर सिंह की गाड़ी को घेर लिया। पुलिसकर्मी भी गाड़ी से तुरंत उतरे, ड्राइवर ने पूरी गाड़ी को बंद कर दिया, समर सिंह को भी बाहर आने को कह दिया। अब वहाँ पर सीन ये था कि समर सिंह गाड़ी के अंदर अकेला बैठा हुआ था, बाहर सारे पुलिसकर्मी थे और उसे बाहर आने को कह रहे थे, और समर सिंह को ये सीन शायद किसी फिल्म की तरह लग रहा होगा कि अब उसका अंत समय आ गया है। समर सिंह के दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, आवाज बाहर तक इसकी सुनाई दे रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने एक बार फिर पहले की तरह गाड़ी से बाहर आने से इनकार कर दिया। अब की बार तो पुलिस वालों ने समर सिंह को खींच कर बाहर निकाल दिया। बस फिर क्या था, समर सिंह चिल्लाने लगा, जोर जोर से दहाड़े मारकर फिर से वही बात बोलने लगा कि मुझे मत मारो। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक वहां पर तुरंत ही समर सिंह को एक जोरदार तमाचा पड़ गया, पूरा सन्नाटा वहां पर छा गया। सुबह के करीब 5 बजे थे, अंधेरा भी काफी था। समर सिंह को गाड़ी से उतारा था तो समर सिंह पूरी तरह से रो रहा था, लेकिन चांटा पड़ते ही चुपचाप हो गया। अब उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी यहीं तक है, उसे यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस उसे लेकर वाराणसी पहुंची थी। जी हाँ, पुलिस सूत्रों ने बताया कि समर सिंह की हालत ऐसी थी कि वो बस रोए जा रहा था। वो बस बार बार यही कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, पुलिस का ऐसा कोई प्लान था ही नहीं। पुलिस उसे गाजियाबाद से लेकर आई थी, वाराणसी में पुलिस लाइन में उसे रखा गया था ताकि उसे बाद में कोर्ट में पेश किया जाए। समर सिंह कहने लगा कि वो सब बोल देगा, सब कुछ बता देगा, जिसे जो चाहिए सब देगा, मुझे मौका दे दो, मुझे मौका दे दो। तो तब समर सिंह को बताया गया कि उसे वाराणसी में पुलिस लाइन में लाया गया है, यहाँ पर कुछ वक्त के लिए उसे रखा जाएगा और फिलहाल उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसे ये सब कुछ सच सच बताना होगा, पुलिस का पूरा पूरा साथ देना होगा। और समर सिंह पूरी तरह से तैयार हो गया। अब शनिवार के चलते कोर्ट में छुट्टी है, लिहाजा समर सिंह को स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वहाँ पर 7 दिन की रिमांड लेने की पुलिस कोशिश करेगी और उम्मीद है कि रिमांड मिल भी जाएगी, क्योंकि मामला बहुत बड़ा हो चुका है, हाई प्रोफाइल हो चुका है। और उसके बाद समर सिंह पूरी कहानी बताएगा, पूरा खुलासा करेगा कि क्या हुआ था आकांक्षा के साथ, कैसे उसने 3 साल तक आकांक्षा को टॉर्चर किया था और कैसे आकांक्षा को मजबूर कर दिया, कैसे आकांक्षा के साथ पूरा का पूरा खेल कर दिया, और उस रात की कहानी क्या थी, ये सब कुछ समर सिंह बताएगा, अपनी जुबान से बताएगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, रात भर के इस खौफ पर क्या कहना है, समर सिंह की हालत पर क्या कहना है, क्या समर सिंह इसी लायक है? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। आकांक्षा के इंसाफ के लिए, आकांक्षा के इंसाफ की इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।